लेकिन बस आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, आपने इसे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो डो फोटोशॉप हो, IDM हो या कोई ब्राउज़र हो, ठीक है, उन सबको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स वगैरह, तमाम के तमाम वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं, और हमारे यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आप अपनी वीडियो, ठीक है। व्यूअर्स, मेरा नाम असलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं अडोब फोटोशॉप CS5, जिसका लेक्चर नंबर 40 है, ठीक है। आज के लेक्चर में अगर आप यहाँ पर अपने 12वें नंबर पर आएंगे टूल बार में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेन, ठीक है। तो अगर आप इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कन्वर्ट पॉइंट टूल, ठीक है। पहले नंबर को पेन टूल आता है जिसकी शॉर्ट की टी है, और इसके अंदर मजीद चार और टूल्स हैं, और बिल्कुल लास्ट में यानी कि है कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कन्वर्ट पॉइंट टूल आपके इस चीज़ में यूजर्स इस्तेमाल होता है कि अगर आपने कोई शेप ड्रॉ की पेन टूल की मदद से, तो उसके अंदर बाद में यानी कि अगर आप कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो वो इसकी मदद से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पेन टूल के साथ ये शेप ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जी मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ, तो आपने कन्वर्ट पॉइंट टूल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मज़ीद पॉइंट्स चाहिए तो आप यहाँ से ऐड एंड श्योर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट डिलीट करना है तो डिलीट एंड श्योर पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कन्वर्ट पॉइंट टूल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पर हैंडल्स आ गए। तो अगर मैं इन हैंडल्स को यूज़ करता हूँ तो ये देखिए मैं इस शेप को और ज़्यादा यानी कि अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। इस तरह से यानी कि अगर आपने ये क्या करेगा, कर्व कर देगा, ठीक है। अगर आपने कोरल ड्रा सीखा हुआ है तो उसके अंदर कर्व यानी कि आपको बेसिकली पता होगा, अगर आप ग्राफिक किसी भी शोबे से रिलेटेड हैं तो आपको कर्व का मतलब पता होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ कर्व कर देता है, ठीक है। ज़्यादातर कर्व का इस्तेमाल हम लोग अपने कोरल ड्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने कोरल ड्रा सीखा हुआ है तो आपको ज़्यादा ईजी समझ आ जाएगा, और अगर आपको नहीं सीखा तो आप मेरी वेबसाइट पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर कोरल ड्रा के लेक्चर भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कोरल ड्रा का कोर्स मिल जाएगा। तो मैं जैसे ही पिक टूल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो अब ये देखिए ये पहले से, अब मैं यहाँ से आपको इसके ऊपर कलर कर चिप करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ अपनी शेप के ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ पर आकर आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे और जस्ट वन क्लिक कर देंगे, उसके बाद न्यू लेयर आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। न्यू लेयर क्रिएट करके यहाँ से मैंने इसके अंदर कलर फिल कर दिया और कंट्रोल डी रीसेट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें और सॉरी ये इसमें और इसमें आप खुद फ़र्क देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फ़र्क यानी कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह में इन टूल्स की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। पेन टूल, फ्री हैंड टूल वगैरह, इन सब के साथ हम लोग क्या करते हैं, शेप्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा टेक्स्ट टूल के ऊपर, ठीक है। तो उसके अंदर मैं इन सबको डिफाइन करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो व्यूअर्स, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।